कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अमित जैन राजाकारी, श्रीमती रोशनी जैन, पर्व जैन, ध्रुव जैन, निवासी टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि कुछ चीजें हमारे जिंदगी में होना बेहद जरूरी है और कुछ चीजों का ना होना बेहद जरूरी है। तो जैसे डर हमारे जीवन में जरूरी नहीं, कभी कभी जीवन में हार का सामना भी करना सीखना चाहिए। अगर आप हर समय जीत की ही चाह रखोगे और एक बार भी हारे तो टूट के बिखरोगे, तो कभी कभी जीवन में फेलियर भी फेस करना जरूरी है। आज की नीति कह रही है कि दो चीजें आपके पास होना बहुत आवश्यक है, दो शक्तियां आपके पास होना बहुत आवश्यक है। आपके अंदर कुछ हो या ना हो, मगर दो शक्तियां होना चाहिए, एक संकल्प शक्ति, एक उत्साह शक्ति, एक डिटर्मिनेशन पावर यानी संकल्प शक्ति और एक इंथुजियाज्म यानी उत्साह शक्ति। ये दो शक्तियां आपके अंदर होना ही चाहिए। अगर ये दो शक्तियां आपके अंदर हैं, पर्वत भी आपके लिए एक सरसों के दाने के बराबर होगा। पर्वत को चढ़ना यानी सरसों के दानों को पैर से किनारे करने, इतना आसान हो जाएगा आपके लिए। ये संकल्प शक्ति है। संकल्प शक्ति के दम पर ही एक छोटा सा बीज धूप सहन करता है, बरसात सहन करता है, मिट्टी के अंदर जाता है, अंधेरे में रहता है, और अपनी संकल्प शक्ति के दम पर ही, अपनी उत्साह शक्ति के दम पर ही बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। कौन? एक बीज जिसकी कोई कीमत नहीं, जो बोरी में पड़ा है, पैरों के नीचे दब रहा है, रुंद रहा है, उस बीज की क्या कीमत है? लेकिन उसकी संकल्प शक्ति, उसकी उत्साह शक्ति उसके लिए सब कुछ कर देती है। केवल हम अपने जीवन में दो शक्तियां जागृत करना है। अगर पुण्य रूठ जाए, किस्मत रूठ जाए, सो रूठ जाए, उत्साह नहीं रूठना चाहिए। आप खेल के मैदान में देखना, कितनी बड़े बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, अगर वो चले गए हैं, जो बीच का आदमी आता है खेलने के लिए मैदान में, उनके बाद उतरता है, अगर वो उत्साह शक्ति संकल्प शक्ति के साथ उतरे हैं तो सब निकाल लेगा, सब कुछ निकाल लेगा। क्यों? उसको पता है, वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे पहले कितने गए हैं, कि मेरे बाद कितने आएंगे, वो यही सोच के रखता है कि ये मैच तो मुझे ही संभालना है। एक रसोईया था, रसोईया गुरुकुल में एक, और वो रसोईया प्रतिदिन भोजन सबके लिए स्वादिष्ट बनाता था। जो वहां के उपाध्याय थे, अध्यापक थे, उन्होंने कहा कि बच्चों को लेकर के आओ। बच्चों ने कहा कि, जब उसने कहा कि आप चलिए सर बुला रहे हैं, तो ना उसको हिंदी आती थी, ना संस्कृत आती थी, ना तमिल आती थी, तमिल की घटना है ये। तो धीरे से बच्चों ने कह दिया कि सर से कह देना मूसल किसलय कर रहे हैं, मूसल किसलय कर रहे हैं। उसने कुछ पता ही नहीं, उसने जाके सर से बोल दिया कि मूसल किसलय पढ़ रहे हैं। सर हंस पड़े, वो बच्चे हंस पड़े, बोले जानते हो मूसल किसलय का अर्थ क्या होता है? बोले नहीं। बोले मूसल किसलय है ना, मूसल से मारने वाला। कुल मिला के उसका परिहास हो गया। सर कहते तू गधा गंवार, तू क्या जाने संस्कृत, तू क्या जाने तमिल। उसने रसोई ने अधेड़ यानी 40 वर्ष की उम्र में संस्कृत पढ़ना चालू करी, तमिल पढ़ना चालू करी, और उसने अपने इतिहास का सबसे बड़ा संस्कृत का काव्य लिखा, उसका नाम लिखा मूसल किसले। एक रसोईया जो अनपढ़ था, गंवार था, जिसको कुछ आता नहीं था, उसने संस्कृत सीखी, संस्कृत में काव्य लिखे, और उसी गुरुकुल में उसका काव्य पढ़ाया गया। ये उसकी संकल्प और उत्साह शक्ति थी।
ये संकल्प शक्ति, उत्साह शक्ति आप लाओ तो। ये मत सोचना कि आप वृद्ध हो, ये मत सोचना आप अभी बच्चे हो। उत्साह शक्ति जिसके अंदर है वो 8 साल का बच्चा भी केवली बन सकता है। संकल्प शक्ति तो हो, आप अभी संकल्प में बंधे नहीं हो। संकल्प में बंधो। राम को देखो, राम ने अपने संकल्प का निर्वाह किया। एकलव्य को देख लो, उसने एकलव्य ने तो द्रोणाचार्य को देखा ही नहीं, मिट्टी के द्रोणाचार्य ने उनके लिए सारी धनुर्विद्या सिखा दी। कैसे सीख गए, कैसे सीखे? उनके अंदर उत्साह था और संकल्प था कि मैं सीखूंगा। और वो उत्साह शक्ति भले ही वो जीव प्राणी आज ना हो, लेकिन उसके लिए आज भी जयवंत करके रखिए। इसलिए अपने जीवन में जब भी कोई बड़ा वृक्ष देखो तो देखना कि उस वृक्ष को किसने पानी दिया, उस वृक्ष को किसने खाद दी, लेकिन वो संकल्प शक्ति के दम पर चलता है। चांद भी निकलता है शरद पूर्णिमा के दिन तो उसको घेर लेते हैं बादल, लेकिन वो अपनी संकल्प शक्ति और उत्साह शक्ति से बाहर आता है। प्रतिदिन अगर आपके लिए एक ही काम दिया जाए तो आप बोर हो जाओगे। महाराज जी कुछ हटके बताइए, वो तो डेली डेली रूटीन है। सूरज रोज निकलता है, चांद रोज निकलता है, प्रकाश देता है, तेज देता है, कभी हारता नहीं है, क्योंकि उसके पास संकल्प और उत्साह शक्ति है। सूर्य जैसा चमकना है, संकल्प उत्साह शक्ति चाहिए। मेरा विश्वास है प्रकृति तुम्हारा साथ देगी, सारी प्रकृति तुम्हारा साथ देगी, कोई रोक नहीं पाएगा। लाओ ना उत्साह शक्ति, लाओ संकल्प शक्ति, लाओ। एक वृद्ध 80 साल का वृद्ध यूनिवर्सिटी गया, संगीत की यूनिवर्सिटी गया, और वहां जाके कहता है जो डीन थे, सर मुझे संगीत सीखना है। आवाज वृद्ध की 80 साल की लड़खड़ा रही है, टूट रही है, फिर भी उसको संगीत सीखना है। जो सर थे उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे पिता की उम्र के हैं, उनसे पूछते हैं धीरे से, सर भैया दादाजी इस उम्र में संगीत सीख करके क्या करोगे, किसको सुनाओगे, किसको रिझाओगे? वो कहते ना किसी को सुनाना है ना किसी को रिझाना है, मेरे अंदर एक संकल्प जागृत हुआ है कि मुझे संगीतकार बनना है, तो मैंने आज से ही प्रारंभ कर दिया है। और बोले तो बहुत लंबा कोर्स है, तो एक दो पर्याय में होगा नहीं, मैं जैन हूं, मैं तो पुनर्भव को मानता हूं, तो अभी से सीखना प्रारंभ कर रहा हूं ताकि आगे तक चलता रहेगा। जब किस्मत आपको धक्का दे तो गिरना नहीं, तेज दौड़ जाना। मुझसे तो यही होता है, अगर कोई चैलेंज दे तो अपन सोच लेते हैं, अगर कोई कहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो फिर हम कहते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। तुम्हारे कहने से क्या होता है, तुम्हारे जैसे कई आते हैं बंदर हमारी जिंदगी में लटकने के लिए, समझ गए आप लोग? अपने अंदर आप वो तो लाओ पावर, कोई रोग हो जाए, रोग से कह देना तू कुछ दिन और रुक, तुझे जड़ से खत्म करके दिखाऊंगा। व्यापार कर रहे हो नुकसान लग जाए, रुक तुझे जड़ से खत्म करके दिखाऊंगा। आप धर्म के मार्ग में जा रहे हो और चित्त की लीनता नहीं हो रही, मन से कह देना व्यापार करो, घर जाओ, कुछ भी करो, ये काम तो तुम्हें करना ही है। संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति ही एक पैर के व्यक्ति को हिमालय तक पहुंचा देती है। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन संकल्प के साथ अगर उत्साह है कोई आपको कभी हरा नहीं पाएगा। संकल्प शक्ति कभी आपको बाधित नहीं होने देती, और उत्साह शक्ति कभी आपको थकने नहीं देती। संकल्प शक्ति आपको बाधित होने नहीं देती। लोग आपको रोक सकते हैं, वायु को देखो जब अपने संकल्प में आ जाए वो पूरा घर भी उखाड़ लेती है। पानी को देखो आप, वो दुनिया के किसी भी चीज को नहीं छोड़ता, वो सबको ले जा लेता है। पृथ्वी अपने संकल्प में आ जाए सब हिला देगी। जब प्रकृति के पास संकल्प शक्ति उत्साह शक्ति है, फिर तो आप प्रकृति से भड़के हो। इसलिए संकल्प शक्ति उत्साह शक्ति, ये दो शक्ति अंदर रखना, दुनिया के सारे काम आपके कद से छोटे दिखेंगे, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।
नीति क्लास। नीति क्लास।